गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 8 साइंस क्लास। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ कंटिन्यू द चैप्टर, वी आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। सो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। नाउ द नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज इज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। यू कैन सी इन टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिजीजेस। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर द टेबल 2.2। इन दिस टेबल इज सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हियर इज द कॉलम। फर्स्ट इट्स प्लांट डिजीजेस, सेकेंड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड नेक्स्ट इज द फिगर। नाउ फर्स्ट इज सिट्रस कैंकर प्लांट डिजीज, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ईयर एंड यू कैन सी हेयर इट्स फिगर। नेक्स्ट वन इज रस्ट ऑफ वीट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फंगी एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड सीड एंड हेयर इज द पिक्चर। नेक्स्ट वन इज येलो रीच वीन मोसेक ऑफ भिंडी ओकारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंसेक्ट एंड यू कैन सी हेयर अ पिक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट वन टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। यू ऑल ऑफ नो अबाउट द फूड पॉइजनिंग। स्टूडेंट, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। दिस मेक देयर फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस इवन डेथ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। द नेक्स्ट वन इज फूड प्रिजर्वेशन, हाउ वी प्रिजर्व अवर फूड। Now, let us study the common methods to preserve food in our homes. We have to prevent it from the attack of microorganism. The first one is the chemical method. What is chemical method? Salts and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. Therefore, they are called preservative. We add salt or acid preservative to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservative. These are also used in the jams and squashes to check their spoilage. The next method is preservation by common salt. What is this? Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla and raw mangoes, tamarind, etc. The next one method is preservation by sugar. Jams, jelly and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. The next one is preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetable, fruits, fish and meat are often preserved by this method.